देखिए, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मोटापा अपने आप में बहुत सारे रोगों को इनवाइट करता है, जिसमें यंग लड़कियों में यूजुअली अनियमित महावारी, जिसको PCOD भी कहते हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जो मोटापे से ग्रसित हैं, महिलाएं जो मोटापे से ग्रसित हैं, उनके चेहरे पे थोड़े बहुत बाल भी होते हैं। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है, तब नॉर्मल प्रेगनेंसी रखना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अगर आपकी शादी हो जाती है, तो वो सलाह तो यही देंगे कि पहले वजन कम करें, उसके बाद प्रेगनेंसी रखें। पर अगर ये मोटापा इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल तरीके से कम नहीं होता, तो आप बैरियाट्रिक सर्जरी के द्वारा इस मोटापे को कम कर सकते हैं। उसका एडिशनल फ़ायदा है कि वजन तो कम होता ही है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी चला जाता है, आपके PCOD का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी रखने में किसी भी लड़की को शादी के बाद बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी टीम ने इसके ऊपर एक शोध किया, और ये शोध करीब 40 स्त्रियों पे किया गया जिन जो कुंवारी थी, ऑपरेशन कराया, शादी की और नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हुई। सबकी डिलीवरी कुछ लोगों की नॉर्मल हुई, कुछ की सिजेरियन से हुई। और इस शोध में ये भी पता चला कि प्रेगनेंसी में जो भी आपका वजन बढ़ा है, वो वजन डिलीवरी के बाद एकदम से 1 महीने के अंदर ही नॉर्मल हो गया। और ये शोध हमारा इंटरनेशनल लेवल पे प्रकाशित भी हो चुका है।